हुए न्यू चैप्टर एलजेब्रा। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर अब तक हमने कुछ एक ऑपरेशंस रीड किए हुए हैं, लाइक बेसिक ऑपरेशंस। लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन। वहां हमने केवल और केवल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स और उसके बाद में इंटीजर्स की बात की थी। अब हमारे पास एक नया टॉपिक और ऐड होता है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल एंड सेकंड इज कांस्टेंट। ये दोनों क्या चीज होती है पहले उनके बारे में देखते हैं। हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर रीड किया हुआ है, दैट इज नोन एज ए टू जेड। ठीक है, अगर मैं कॉन्स्टेंट वैल्यू को कहते हैं इंटीजर्स ले लो, होल नंबर से लो, कुछ भी कह दो, ठीक है, अगर मैं इस कॉन्स्टेंट के साथ इस नंबर को ऐड कर दूं, यानी जो वैल्यू मेरे पास क्या है, अननोन नंबर है, तो मेरी कंडीशन क्या कहलाती है, एलजेब्रा। क्या कहलाती है, एलजेब्रा। इट मींस एलजेब्रा जो होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज एलजेब्रा। लाइक कुछ एक एग्जांपल्स देखे थे हमने कल, जैसे मान लिया मैंने लिखा 4x² + 3x - 2, वेयर एक्स इज अननोन नंबर। ठीक है, लाइक x² / 4, 2y, जहां 2 और y में 2 इज नोन एज कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड y इज अननोन नंबर, दैट इज नोन एज वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, इसी के बेस पर इस चैप्टर को काफी लंबा कुछ खींचा हुआ है उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट चैप्टर जो दिया है उसमें उसने हमें एक मैथ्स बॉक्स का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा है कुछ, कि मैथ्स बॉक्स के लिए हम लोग कैसे एलजेब्रा को डिनोट कर सकते हैं और उसकी हेल्प से कैसे कुछ एक शेप्स बनाते हैं। चले उसके लिए कुछ रूल्स भी लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लिया मैंने बनाया आपके लिए ए। मैं ये मान के चलूं कि दिस इज वन स्टिक, दिस इज सेकंड स्टिक एंड दिस इज थर्ड स्टिक, यानी टोटल ओवरऑल यहां मैंने कितनी स्टिक्स यूज कर रखी है, 3 स्टिक्स यूज कर रही है। तो मैंने इस अगर वन स्टिक जो है मेरी उसको मैं अगर एक्स मानता हूं तो इसके लिए जनरल रूल क्या बन जाता है मेरा, 3x। अगर मैं यू की बात करूं, अब आप कहोगे यू तो ऐसे बनता है, बट मैच स्टिक से बनाएंगे तो यू जस्ट लाइक कुछ ऐसा बनेगा अपना। इसमें भी हमारे पास ओवरऑल 3 स्टिक्स काम कर रही है, यानी इसका रूल भी क्या बनेगा मेरा, 3x बनेगा। अगर मैं आपके लिए बात करूं टी के रिगार्डिंग, तो टू टी जो है वो मेरी 2 मैच स्टिक से बन सकती है, इट मीन इसके लिए जनरल रूल क्या बन जाएगा मेरा, 2x। अगर मैं वेरिएबल यानी अननोन नंबर जो है उसको अगर एक्स की जगह एन से डिनोट करता तो ये रूल क्या बन जाता मेरा, कि 2n। ठीक है, अब चलो W की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4 स्टिक्स, इट मींस रूल्स क्या बनेगा, 4n कह दें या फिर 4x कह दें। x और n जो थे वो हमारे अननोन क्वांटिटी थी, वो क्या थी अपनी, अननोन क्वांटिटी थी। अगर मैं आपके लिए E शेप बनाता तो देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इसके लिए रूल क्या बन जाता अपना, 5n रूल।
यानी जितनी मैंने मैथ स्टिक्स काम में ली है उतना ही मेरा क्या बन गया, जनरल रूल बन गया इस चीज का, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, और अपनी एक्सरसाइज का 6.11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी शायद कुछ ऐसा ही दिए रखा है उसने, ठीक है। अलग अलग फिगर्स गिवन है हमें, उस फिगर के बेसिस पर उसने कुछ एक टॉपिक्स की बात की हुई है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर दी है ना, तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में देखा जाए तो कुछ ज्यादा स्पेशल क्वेश्चंस नहीं है, लास्ट में इक्वेशन जब बनेगी उस समय देखेंगे नए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पैटर्न फॉर लेटर टी एस टी, इस टी के लिए पैटर्न क्या होगा अपना, टू एक्स कह दें इसको या फिर हम कह देते हैं इसको 2n। अगर मैं n नोटेशन में लेता हूं इसको तो 2n, और x की नोटेशन में लेता हूं तो 2t। नेक्स्ट वन दे रखा है इसने अ पैटर्न फॉर लेटर z, z देखो z दिखने में दिख रहा है तीन स्टिक्स 1, 2 एंड 3, तो रूल क्या बन गया अपना 3n, यानी जितनी नंबर ऑफ स्टिक्स वही अपना रूल, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है u, तो u के लिए अपना 3n कह दें, 3x कह दें। u के बाद नेक्स्ट दे रखा है v, v के लिए 2 स्टिक्स इट मींस 2x। नेक्स्ट पैटर्न फॉर e, e में 1, 2, 3, 4 और 5 इट मींस 5x रूल। e के बाद अपना s 1, 2, 3, 4, 5 इट मींस 5x, सिंपल सा लॉजिक है। एंड नेक्स्ट वन इज a, a डिनोटेड बाय दिस शेप। अगर मैं इस शेप की बात करता हूं और स्टिक्स अगर काउंट करूं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इट मींस 6x, और अगर a को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, वो लिखने के पैटर्न पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इस पार्ट में है नहीं अपने पास में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ एल, कि हमने पहले से ही एल सी एफ, तो सी तो देखा नहीं था, सी देख लेते हैं। अब यहां दे रखा है अपने को एल, तो एल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 और 2 यानी 2x। फिर आया था सी, तो सी जस्ट लाइक दिस इट मींस 3 कह दें इसको एक बार के लिए तो 3x, एफ 1, 2 और ये 3, 4 इसको हमको कह सकते हैं 4x, ठीक है। सम ऑफ लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिवन अबव गिवन बाय एल व्हिच आर दीज, दी व्हाई दिस डज दिस हैपन, ये कह रहा है कि हमने ऊपर क्वेश्चन में से कौन सा लेटर ले रखा है, तो उसमें से हमने केवल क्या लिया था, एल लिया है देखो, ठीक है। और वो किससे मिलके बनते हैं, सारे के सारे मैथ स्टिक से मिलके बने हुए हैं, एकदम मतलब घटिया लेवल का क्वेश्चन जो होता है उस टाइप के क्वेश्चन दे रखे, मतलब नहीं है, एक दो एग्जाम आने लायक नहीं है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर दिया। कैडेट्स आर मार्चिंग इन परेड, कैडेट्स जो है वो परेड में मार्च कर रहे हैं, यानी परेड में चल रहे हैं। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो, एक रो में कैडेट्स कितने हैं अपने पास 5। व्हाट इज द रूल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट फॉर द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज हमें पता नहीं है, तो हमने लिखा लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज को हमने x ले लिया। तो अगर नंबर ऑफ रोज x है तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स, टोटल कैडेट्स वन रो में कितने कैडेट्स जा रहे हैं हमारे पास में 5 रो जा रहे हैं, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है x है, तो टोटल कैडेट्स कितने बनेंगे कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैडेट्स इन वन रो, है ना। यानी रोज x थी, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये हो गया 5x कैडेट्स। सेम वैसा ही था कि हमारे पास 1 पेंसिल की कॉस्ट वैल्यू दे रखी है 5 रुपीज, और 10 पेंसिल्स की पता करनी थी तो हमने क्या लगा दिया मल्टीप्लाई बाय 10, है
है ना। जैसे मान लिया अभी ये कह देता कि हमारे पास टोटल ओवरऑल 6 रोज थी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 30 कैंडिडेट्स हो गए, सीधे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपको ये कह दिया कि हमारे पास टोटल 11 रोज है, तो 11 × 5 = 55 कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेसी वाली बात नहीं है, पहले बात वही है जो पहले कर चुके हैं हम लोग, बट अब एक नया वर्ड और जुड़ गया अपने पास में, वेरिएबल। और वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू जब आपस में मिली तो उसने बना दिया हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर इज 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, वन बॉक्स में मैंगोज कितने हैं? तो मैंगोज इन वन बॉक्स, मैंगोज इन वन बॉक्स इज इक्वल्स टू 50, एक बॉक्स में 50 मैंगोज अपने पास पड़े हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस? तो लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्स कितने हैं अपने पास में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी दे रखा है, तो हमने इसको बी लेट किया। सो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल्स टू, वन बॉक्स में कितने हैं, तो यहां लिखा मैंगोज इन वन बॉक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस। वन बॉक्स में कितने मैंगो अपने पास के 50, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने थे बी, ओवरऑल 50 को बी से मल्टीप्लाई किया 50 बी। अगर मैं आपको ये कह देता हूं कि बेटा आपके पास ओवरऑल 3 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज है, है ना, तो नंबर ऑफ बॉक्स को मैंने क्या दिया आपको 3 दे दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ बॉक्स को, देयरफॉर 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इट गिव्स 150, तो आपके पास ओवरऑल कितने मैंगोज मिलेंगे, 150 मैंगोज मिलेंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुक में आपके पास में, मैं आपसे ही बात करूंगा, आंसर्स भी आपसे ही पूछूंगा, इसका आंसर कितना मिल रहा है, फिर यहाँ वेरीफाई करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल दे रहा है टीचर, 5 स्टूडेंट पेंसिल्स, तो यार पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 5 पेंसिल, यानी एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल मिली, 5 पेंसिल्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हमें कि एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 5, हमें क्या फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल। सिंपल सी बात है ना, देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू 5 और ये एस। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं अपने पास। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, यानी एक पक्षी जो है 1 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, तो लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू
1 किलोमीटर, यानी एक पक्षी 1 मिनट में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन द टर्म ऑफ फ्लाइंग टाइम इन मिनट? तो लेट द फ्लाइंग टाइम बी टी मिनट। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, तो 1 मल्टीप्लाई बाय t होगा ना, और t को 1 से मल्टीप्लाई करते ही t बनेगा और किलोमीटर का किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये 1 किलोमीटर की बात कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली। राधा क्या कर रही है, डॉट रंगोली बना रही है, यानी पॉइंट बना बना के रंगोली की डिजाइन बना रही है। ठीक है, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस जॉइनिंग डॉट्स विद चॉक पाउडर, सी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। तो लिखा नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, एक रो में नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं अपने पास, 9। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, तो नंबर ऑफ रोज यानी कुल मिला के कितनी लाइन्स है उसके पास में, आर लाइन्स बनी हुई है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन आर रोज, आर रो में कितना होगा, 9 आर हो जाएगा क्या डायरेक्ट, ये लो 9 आर कह दिया हमने। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। इसका फर्स्ट पार्ट का है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारे पास 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, फॉर्मूला क्या था, 9 आर था, तो 9 मल्टीप्लाई विद 8, 9 8 जा 72। तो रो में कितने डॉट्स बनेंगे, 72 बनेंगे। वो अगर कह रहा है इफ देयर इज 10 रोज, देन सेकंड पार्ट इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 10, देन टोटल नंबर ऑफ डॉट्स 9 मल्टीप्लाई विद 10, 9 10 जा 90 डॉट्स, ओवरऑल 90 डॉट्स उसके पास में। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन चल रहे है ना, इसके अकॉर्डिंग तो आज ये एक्सरसाइज शायद कंप्लीट ही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 के रिगार्डिंग बात करें अगर हम लोग, तो लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला जो है राधा की यंगर सिस्टर है। लीला इज 4 इयर्स यंगर देन राधा। क्या कह रहा है, लीला इज 4 इयर्स यंगर देन राधा। कंपेयर किससे कर रहा है, राधा से। कौन छोटी है, लीला। लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला इज 4 इयर्स यंगर देन राधा, यानी लीला की एज को राधा की एज से कंपेयर करें, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको पहले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, पहले लेते हैं। तो लिखा देखो लेट द राधाज एज बी, राधा की एज को हमने क्या मान लिया, एक्स ईयर्स। ठीक है, लीला क्या है, उसकी यंगर सिस्टर है, और लीला इज 4 ईयर यंगर से, लीला इज 4 इयर्स यंगर है। तो यहां लिखा लीला इज 4 इयर्स यंगर देन राधा। So,
Leela's एज। देखो यंगर है, यंगर का मतलब छोटी है। किससे छोटी है? वो राधा से छोटी है। मैं ये कहूं कि आपकी सिस्टर आपसे 4 साल छोटी है, तो आप अगर एक्स ईयर के हो तो आपकी एज में से 4 माइनस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या करना है, लीला क्या थी, राधा से छोटी थी। कितनी छोटी थी? तो 4 ईयर्स छोटी थी। तो मैंने एक्स राधा की थी, उसमें से 4 इयर्स क्या कर दिया, लेस कर दिया, यानी एक्स में से 4 मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो बन गया मेरा एक्स माइनस 4 इयर्स, एक्स माइनस 4 इयर्स। ये कह रहा है कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म ऑफ राधाज एज, टेक राधाज एज टू बी एक्स इयर्स। आ गया फाइनल आंसर अपना, लीला की एज को क्या बना दिया हमने, एक्स माइनस 4 इयर्स। लीला की एज को हमने क्या बनाया है, एक्स माइनस 4 years. क्यों बनाया? क्योंकि दोनों की एज को हमने आपस में क्या किया है, कंपेयर किया है। दोनों की एज को आपस में क्या किया हमने, कंपेयर किया। तो जिससे कंपेयर करते हैं उसको पहले लेट करते हैं। तो कंपेयर किससे किया हमने, राधा की एज से। किसको कंपेयर किया था, लीला की एज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा, लेट द राधाज एज बी एक्स ईयर्स। राधा की एज को क्या मान लिया हमने, वो एक्स ईयर्स की है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि लीला इज 4 इयर्स यंगर देन राधा। लीला जो है राधा से 4 साल छोटी है, छोटी है, इसका मतलब उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये लो, लीला की एज क्या बनी कि राधा की एज में से 4 मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एक्स माइनस 4। अब अगर राधा अगर 7 इयर्स की है तो 7 माइनस 4 3 इयर्स की हो गई। वो बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, मूव करें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि मदर हैज मेड लड्डूज, कि मम्मी ने लड्डू बनाए। लॉकडाउन में तो यही काम है, लड्डू बनाते रहो खाते रहो। चलो सी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स। उसने कुछ लड्डुओं को फैमिली मेंबर्स में दे दिया, बांट दिया, और कुछ गेस्ट को खिला दिया। घर वाले भूखे बैठे रह गए। Still 5 लड्डूज रिमेन, अभी भी 5 लड्डू बचे हुए। बनाए तो बहुत सारे थे, बाकी सारे बांट दिए, घर वाले देखते रह गए, है ना। अभी भी उसके पास कितने लड्डू बचे हुए हैं, 5 लड्डूज। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे 1, इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे 1, सॉरी L, हाउ मेनी लड्डूज डिड सी मेक। वो कह रही है मदर ने कुछ लड्डू बनाए, उनमें से कुछ लड्डू तो गेस्ट को और फैमिली मेंबर्स को बांट दिए, ठीक है। बांटने के बाद भी उसके पास कुल मिला के 5 लड्डूज अभी भी बचते हैं, ठीक है। ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, कि जो मदर ने जो लड्डू उनको दे दिए, वो दिए हुए लड्डू क्या थे, L थे। तो हाउ मेनी लड्डूज डिड सी मेक, तो उसने कितने लड्डू बनाए। तो लिखते हैं कि नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे, मदर गेव अवे इज इक्वल्स टू L, यानी L लड्डू मम्मी ने बांट दिए, ठीक है। अब बचे कितने थे इसके बाद में, तो नंबर ऑफ रिमेनिंग लड्डूज, अभी भी उसके पास कितने बचे थे कि 5 लड्डूज। L बांट दिए, 5 बच गए, ठीक है। पूछा क्या था कि नंबर ऑफ लड्डूज मदर मेड, मम्मी ने कितने लड्डू बनाए। तो देखो जितने लड्डू बांट दिए वो, और जितने बचे हुए हैं, दोनों को अगर ऐड कर दें तो लड्डू बना दिए। बांटे कितने थे मम्मी ने, L, पास में कितने रख लिए कि 5। तो कुल मिला के कितने लड्डू बन गए उसके पास में कि L प्लस 5। अगर मैं मान लिया यहाँ ये कह देता हूं कि मम्मी ने 13 लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए, ठीक है। तो अब बनाए कितने थे, तो 13 प्लस 5 इट गिव्स 18 लड्डूज, ठीक है।
क्लियर है बात? चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अपनी। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सिंगल स्टेटमेंट वाले आंसर है ये, ठीक है। ये सारे कुछ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, केवल क्वेश्चन नंबर डाल के इसके आंसर लिखे हुए होंगे, ठीक है। लेकिन पहले जो कल चैप्टर कंप्लीट किया था उसकी पीडीएफ आएगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस, यानी बड़े बॉक्स में से ऑरेंजेस को निकाल के छोटे छोटे बॉक्स में ट्रांसफर किया गया। व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, जब एक लार्ज बॉक्स खाली हो गया, देन द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल टू स्मॉलर बॉक्सेस एंड 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। तो जब बड़े बक्से में से ऑरेंज को निकाल के हमने छोटे बॉक्स में डाल दिया, तो सारी बॉक्स में से, बड़े बॉक्स में से जितनी भी ऑरेंजेस थी वो निकल के उसने ओवरऑल 2 स्मॉल बॉक्सेस को भर दिया, और उसके बावजूद भी उसके पास 10 ऑरेंजेस क्या रह गई, बॉक्स के बाहर रह गई। If the number of oranges in a small box are taken to be X, number of oranges in small box is equals to हमने X ले लिया, ठीक है। What is the number of oranges in the large box? तो बड़े बॉक्स में कुल मिला के ऑरेंजेस कितनी थी? तो हमने क्या कहा अभी कि जब बड़े बॉक्स में से ऑरेंजेस को निकाल के हमने छोटे बॉक्स में डाला, तो हमने ओवरऑल 2 बॉक्स भर दिए थे पूरे, ठीक है। कितने बॉक्स भर दिए थे हमने? 2 बॉक्सेस। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन टू स्मॉल बॉक्स, वन बॉक्स में हमारे पास x आई है, तो 2 बॉक्स में 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी 2x हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि 2 बॉक्स भरने के बाद भी लेफ्ट बच गए थे, तो लिखा नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट कितनी बची थी हमारे पास? 10 लिखा। अब नेक्स्ट पूछा क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बिग बॉग या बिग या लार्जर बॉक्स। 2 छोटे बॉक्स भर दिए थे, उसके बाद भी 10 बच गया था, इट मींस 2x + 10 ऑरेंजेस, 2x + 10 ऑरेंजेस अभी भी उन दोनों बॉक्स मिला के हैं, ठीक है। यानी बड़े बॉक्स में जितनी भी ऑरेंजेस थी उन ऑरेंजेस को उसने क्या किया, स्मॉलर बॉक्स में ट्रांसफर किया। स्मॉलर बॉक्स कितने फिल किए उसने? टोटल 2, और उसके बाद भी उसके पास कितनी रिमेन रह गई थी? 10। स्मॉलर बॉक्स को क्या माना हमने? x, 2 बॉक्सेस थी तो 2x, स्टिल रिमेन कितनी थी? 10। दोनों को एड कर दिया, 2x + 10 इज इक्वल टू ओवरऑल ऑरेंजेस, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट 11 क्वेश्चन की तरफ, जो शायद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अपना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, लुक एट द फॉलोइंग मैटस्टिक्स पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स, द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेटेड, 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव द कॉमन मैटस्टिक, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैटस्टिक्स इन द टर्म ऑफ स्क्वायर्स। ये कह रहा है नीचे दिए गए मैच स्टिक्स का पैटर्न जो है वो जो स्क्वायर शेप्ड का दे रखा है उसको ऑब्जर्व करो। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेटेड, ये स्क्वायर्स आपस में एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैच स्टिक, जैसे मान लिया एक बॉक्स बनाया मैंने ऐसा, ओवरऑल कितनी मैच स्टिक्स लगी? 4। इसके बाद जैसे ही एक बॉक्स और बनेगा, वो बॉक्स बनाने के लिए मेरे को इसके पास में एक ऐसा पेयर बनाना पड़ेगा, यानी ये जो मैच स्टिक है मिडल वाली वो दोनों की कॉमन मैच स्टिक है। ये मैच स्टिक क्या है? दोनों में कॉमन चल रही है, ठीक है। अगर मैं एक और बना दूं यहां पेयर,
तो फिर ये कॉमन आ गई, यही बात ये बताता रहा अपने को, ठीक है। तो ये कह रहे हमने ये देखा मैथ स्टिक में कि फर्स्ट वाले ब्लॉक में मुझे कितनी मिली, 4, सेकंड वाले ब्लॉक में करते 1, 2 और 3 मिली, यानी नेक्स्ट में कौन काम करेगी मुझे, अगर मैंने 2 पेयर बना दिए तो 7 मिलेगी, नेक्स्ट में फिर मैंने कितनी ऐड कर दी 3, तो 7 और 3 कितना बना मेरा 10, फिर 3 ऐड करते ही 13, यानी हर बार मैं क्या करता जा रहा हूं 3 मैथ स्टिक्स को ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है। यानी इसका पैटर्न क्या बन जाएगा, ऐड कितना किया मैंने हर बार 3, तो 3x बन गए, 1 कॉमन चल रहा था अपना तो 1 पेयर कॉमन हो गया, तो आंसर इज 3x प्लस 1। जैसे मान लिया अब मैंने ये ब्लॉक बना रखा है, तो आपको अगर इसमें मैथ स्टिक्स काउंट करनी है टोटल कितनी लगी हुई है x, कितने बॉक्स बने 1, 2 और 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 × 3 + 1, 8 × 3 = 9 × 1 = 10। देखो काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट का ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल में इसमें हर बार ये 2 मैथ स्टिक्स ऐड करता जा रहा है, इट मींस रूल बन जाएगा उसके लिए 2x + 1, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट ट्राइंगल इसने ऐसा शेप कर दिया, सेकंड बनाने के लिए 2 स्टिक्स और लगा दी, थर्ड के लिए ये फिर 2 स्टिक्स लगा रहा है, यानी हर बार एक स्टिक तो कॉमन चलती जा रही है और बाकी ओवरऑल 2 स्टिक्स ऐड करता जा रहा है, तो इसका रूल्स बन जाएगा अपना 2x + 1। इसी के साथ बुक एक्सरसाइज 11.1 इज कंप्लीटेड। कल की क्लास से अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग। हेलो।